हज इस्लाम का एक अजीम रुकन और पूरी उम्मत के लिए एक हुमागीर इबादत है। हज अदा करने वाले अहले ईमान रंग व नस्ल कबाइल बरादरियों से बालातर होकर दुनियावी ज़ाहरी जेब व जीनत को छोड़कर एक तर्ज के अहराम में मलबूस होकर ये करार करते हैं कि ऐ अल्लाह हाजिर हूँ, मेरे अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। यकीनन तारीफ सब तेरे ही लिए है, नेमत सब तेरे ही लिए है और सारी बादशाही तेरी है, तेरा कोई शरीक नहीं। हजाज कराम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक और दीवानगी से हज की अदायगी करके अपना ताल्लुक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानियों के साथ जोड़ते हैं। यही वजह है कि साहिब सरवत ही नहीं हर अहले ईमान अपने सीने में हज बैतुल्लाह और दरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की तड़प रखता है। मगर पाकिस्तान में रोज़ बा रोज़ बढ़ती महंगाई ने गरीब पाकिस्तानियों के लिए इस अजीम सआदत को बहुत मुश्किल बना दिया है। राष्ट्र टीवी की वीडियो में खुशामदीद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वजारत हज व मजहबी अमूर ने इस साल सरकारी स्कीम के तहत हज पर जाने वालों के लिए हज पैकेज में 1,15,000 रुपये का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद सन 2020 में हज पर जाने वालों के ख्वाहिशमंद हजाज कराम को मजमूई तौर पर 5,50,000 रुपए जमा करवाने होंगे। इंडोनेशिया की तरफ से हज 2020 में अपने आजमीन ना भेजने के ऐलान के बाद भारत ने भी सऊदी हकाम की तरफ से वाजिया जवाब ना आने पर हज दरख्वास्तें देने वालों को 100% रकम वापस लेने की सहूलत फराहम कर दी है। भारत की हज कमेटी ने हज की रकम की मुकम्मल वापसी के लिए वेबसाइट पर फॉर्म जारी कर दिया है। इस्लामी ममालक में सबसे ज्यादा आजमीन तकरीबन 2,10,000 इंडोनेशिया से हज की सआदत हासिल करते हैं। मई में इंडोनेशिया ने कोरोना की वबा की बुनियाद बनाकर सऊदी अरब को तहरीरी तौर पर हाजी ना भेजने की दरख्वास्त करते हुए माजरत कर ली थी। भारत से 1,70,000 आजमीन हर साल जाते हैं। इंडोनेशिया के बाद भारत ने भी अपने आजमीन के बढ़ते हुए दबाव को सामने रखते हुए कामयाब दरख्वास्त गुजार को पूरी रकम वापस लेने की सहूलत फराहम कर दी है। बताया गया है कि भारतीय हुकूमत ने सऊदी हकाम को हज होने या ना होने के हवाले से वाजिया बताने की दरख्वास्त की थी। सऊदी हकाम ने हतमी जवाब देने की बजाय इंतजार करने का कहा था। 24 जून से हज ऑपरेशन होने जा रहा है। इंडियन हुकूमत ने सऊदी अरब से तसल्ली बख्श जवाब ना आने और हज ऑपरेशन शुरू होने में कम वक्त रहने की वजह से अपने हाजियों को जमा कराई गई रकम वापस करने का फैसला कर लिया है। इसके लिए जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है, आप लोगों की जमा कराई गई रकम की तफसील का फॉर्म पूर करके जमा करा दें और मुतलका बैंकों से पूरी की पूरी रकम वापस वसूल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।